क्या कोई बताएगा कि ठंड में अगर एक बार नहा ले तो उसकी वैलिडिटी कितने दिन रहती है? कोई कहता है कि हमारा बॉयफ्रेंड बहुत लॉयल है, कोई कहता है कि हमारा पति बहुत लॉयल है, लेकिन बहनों मेरी तो किस्मत ही इतनी लॉयल है कि बदल ही नहीं रही है। ठंड में किसी भी मनुष्य पर ठंडा पानी डालने से वो एकदम से गर्म हो जाता है। गरीब समझ रहे हो क्या? बैगन। सही समझ रहे हो। सुन लो मेरी सारी कुंवारी बहनों, तुम जो ये सोच के आती हो ना कि शादी के बाद तो सबके साथ बड़ा घुलमिल के रहेंगे, सासु माँ को माँ मानेंगे, जेठानी को भाभी मानेंगे, नंदरानी को छोटी बहन मानेंगे, देवर जी को छोटा भैया मानेंगे, तो बहनों ये भ्रम ना शादी के 3 दिन बाद ही टूट जाता है, क्योंकि आपकी सोच और ससुराल की हकीकत में बहुत अंतर होता है। तो बहनों सास को सास, जेठानी को जेठानी और नंद को नंद मान कर ही आवे। जिस दिन हर लड़की ने ये मान लिया ना कि उनकी माँ की असली बेटी उनकी भाभी है, सच बता रही हूँ, उस दिन से किसी के घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस दिन हर बेटी ने ये मान लिया कि उनकी माँ की सगी और असली बेटी उनकी भाभी है, क्योंकि भाभियां ही घर की नींव होती हैं। जिस तरह से आपकी भाभी आपके मायके में आपके मायके की नींव है, उसी तरह से आप भी किसी के घर में उस घर की नींव हो। तो अगर हम सब ये सोच के अपनी जिंदगी में चलते रहे ना कि जो हमें मिला है वही हमारा है, तो सच बता रही हूं किसी घर में कभी कोई टेंशन ही ना आएगी। और ननंद बस इतना याद रखे कि मेरी इतनी बाउंड्री है, इस बाउंड्री से बाहर मुझे नहीं जाना है शादी के बाद मायके में, तो मायके वालों के साथ रिश्ते और ज्यादा गहरे हो जाते हैं, प्यार और ज्यादा गहरा हो जाता है। महाराज जी। हाँ जी। ये क्या जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा। महाराज जी खुश रहो। आशीर्वाद। गुरुजी तुम कहाँ थे अभी तक? धन्यवाद मेरे महाराज जी। महाराज जी कहाँ के हो? महाराज जी मैं देखो मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ राधे राधे हरे कृष्णा, और उसके सामने मैं अपने बताता हूँ कि मुझे गोरा कर दो, मतलब चार नहीं। अरे कोई गोरा लगाने की क्रीम दो इसे। अरे राधे हरे कृष्णा, महाराज जी खुश रहो। जय हो प्रभु। धन्यवाद। शादी से पहले मैं आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैं तो धीरे ही बोलती हूँ ना, मेरी आवाज ही छोटी है मेरी, मैं पहले से ही धीरे बोलती हूँ, जोर से मुझसे बोला नहीं जाता यार। अरे नहीं यार, गुस्सा तो मैं कभी होती ही नहीं हूँ। मैं शादी के बाद क्या मेरी आवाज ही ऐसी है? तुमको बोला ना मैंने मेरे से बात करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। गुस्सा क्यों नहीं होगी? गुस्सा खूब गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में तो उल्टा मत बोला करो, ठीक है ना? हाँ ऐसी है मेरी आवाज, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी आवाज ऐसी है। शादी से पहले मैं आवाज नहीं आ रही है? नहीं मैं तो धीरे ही बोलती हूँ ना, मेरी आवाज ही छोटी है मेरी, मैं पहले से ही धीरे बोलती हूँ, जोर से मुझसे बोला नहीं जाता यार। अरे नहीं यार, गुस्सा तो मैं कभी होती ही नहीं हूँ। मैं शादी के बाद क्या मेरी आवाज ही ऐसी है? तुमको बोला ना मैंने मेरे से बात करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। गुस्सा क्यों नहीं होगी? गुस्सा खूब गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में तो उल्टा मत बोला करो, ठीक है ना? हाँ ऐसी है मेरी आवाज, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरी आवाज ऐसी है। ससुराल में आके ना प्रेम पायो ना धन पायो, पर हाँ सासु माँ को रतन पायो, खानो बनायो, सबको खिलायो, बर्तन धोयो, कपड़ा धोयो, बच्चों को हंगायो, मुतायो, पढ़ायो, और बस यही सब करते करते अपनी जिंदगी को झंड बनायो।